खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। बड़ी खबर इस वक्त की पश्चिम बंगाल से है, जहां हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। 48 घंटे में बीजेपी के 4 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। आरोप ममता बनर्जी की पार्टी के कार्यकर्ताओं पर है। कल भी भाटपाड़ा में हिंसक झड़प हुई। कल उत्तर 24 परगना के ही बहीगाछी में 23 साल के बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। वर्धमान में भी 60 साल के गोपाल पाल नाम के बीजेपी कार्यकर्ता की कल शाम हत्या कर दी गई। गोपाल का शव उनकी ही मिठाई की दुकान के सामने से बरामद हुआ। भाटपारा में आज कोई हिंसा नहीं हुई है, लेकिन हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और आज बीजेपी के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल भाटपारा पहुंच रहा है हालात का जायजा लेने के लिए। एसएस अहलूवालिया की अगुवाई में ये प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। तो आज बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल कोलकाता पहुंचा है और एसएस अहलूवालिया की अगुवाई में 3 सांसद वहां पर पहुंचे हैं। आज जब एसएस अहलूवालिया कोलकाता पहुंचे तो उन्होंने इस हिंसा के लिए तृणमूल को जिम्मेदार ठहराया। भाटपाड़ा की जो घटना घटी है उससे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह जी बहुत दुखित हैं, क्योंकि वो राष्ट्र के स्वराष्ट्र मंत्री भी हैं और इस दुख के कारण उन्होंने एक 3 सदस्यीय संसदीय दल वहां परिदर्शन के लिए भेजा है, जिसमें मैं एसएस अहलूवालिया, मेरे साथ सत्यपाल सिंह जी जो फॉर्मर पुलिस कमिश्नर मुंबई हैं और उत्तर प्रदेश से एमपी हैं, और विष्णुदयाल राम जी जो झारखंड से एमपी हैं और वहां के फॉर्मर डीजीपी झारखंड है। तो ऐसा एक संसदीय दल वहां भेजा जा रहा है कि जहां पर तदंत करके देखा जाए कि किन अवस्थाओं में वहां पर गोली चली है। जो मृत परिवार है हम उनसे मिलेंगे और लोगों से मिलेंगे, उसकी विस्तृत जानकारी लेंगे और अपनी रिपोर्ट हम अमित शाह जी को देंगे।